नमस्कार जोहार, मैं हूं श्रुति कुमारी और स्वागत है आपका दूरदर्शन के इस कार्यक्रम कैंपस में। इस कार्यक्रम में हम आपको अलग अलग यूनिवर्सिटीज लेकर जाते हैं और वहां अलग अलग विषयों पर वहां के छात्र छात्राओं और शिक्षकों के साथ चर्चा करते हैं। तो आज हम आपको लेकर आ गए हैं सरला बिरला यूनिवर्सिटी। यहाँ हम बात करेंगे पर्यावरण संरक्षण के ऊपर और क्यों पर्यावरण संरक्षण जरूरी है। तो आइए चलते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर और बात करते हैं यहाँ के छात्र छात्राओं से और शिक्षकों से और जानते हैं इस विषय के ऊपर और भी साथ। चलिए हमारे साथ। आज हम आपको लेकर आए हैं सरला बिरला यूनिवर्सिटी के कैंपस और यहाँ हम यहाँ के छात्र छात्राओं शिक्षकों सबसे बात करेंगे पर्यावरण संरक्षण क्यों जरूरी है इसके विषय के ऊपर। सबसे पहले चलिए हम छात्रों से बात करते हैं और समझते हैं कि कम्युनिटी के ऊपर क्या असर पड़ता है। ग्लोबली अगर हम देखें तो कौन से ऐसे देश हैं जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा असर पड़ता है जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं। तो साथ में हम ये भी समझेंगे कि बच्चे अपने स्तर पर क्या ऐसी चीज़ें हैं जो वो कर सकते हैं पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए, साथ में ही क्या ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो उन्होंने अपने तरफ से लिए हैं इन्वायरमेंट को बचाने के लिए। तो आइए हमारे साथ और चलिए स्टूडेंट से बात करते हैं और समझते हैं। जब हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो आपको क्या लगता है कि कौन कौन से ऐसे इश्यूज हैं जो अभी बहुत ज़्यादा यू नो प्रेसिंग इश्यूज है जिस पे काम करना बहुत ज़रूरी है, और आपको क्यों लगता है कि एनवायरनमेंटल कंजर्वेशन के ऊपर हमें काम करना चाहिए? मैम, ये तो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत हाईली सेंसिटिव मैटर है, क्योंकि एनवायरनमेंट ही हम लोग को बेसिकली रहने के लिए, खाने के लिए और बेसिकली बेसिक नेसेसिटी प्रोवाइड करता है। तो हमें कंजर्वेशन के लिए उसे बहुत इम्पोर्टेंट है। और रही बात का एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए मेजर्स स्टेप्स गवर्नमेंट्स उठा रही है, जैसे कि वो एज रिसेंट देखिए वो हाइड्रोजन फ्यूल सेल लॉन्च कर रही है जो कार्स में एमिशन रिड्यूस कर रही है, और इलेक्ट्रिक चार्जेस और ईवी स्टेशंस को बहुत प्रमोट किया जा रहा है। एज ऑफ नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। सो फॉर मी एनवायरमेंटल कंजर्वेशन इज अ प्रेसिंग इशू राइट नाउ, बिकॉज एवरीथिंग दैट इज इनिशिएटेड विद इट इज इनिशिएटेड बेसिकली अबाउट एनवायरमेंट। We are going forward with the technology, we are going forward with many things right now, but after all the base is when we keep ourselves healthy. So keeping ourselves healthy should be done by the surrounding environment, and the surrounding environment as of now, if I say the soil, the air, the basic needs, the water and everything, it all impacts our life a lot, and a human body or a human mind needs everything to be essential as necessary. So for me, I think environmental education is not basically a policy or a or an idea, but it's actually the basic need of a human. जैसा हम लोग जान रहे हैं कि हमारे environment में बहुत ज़्यादा आज pollution बहुत दर तक बढ़ चुका है, पर हम लोग को उस चीज़ को कैसे हम लोग कम कर सकते हैं। हमारे SBU में बहुत सारे SBU अवेयरनेस प्रोग्राम कराए हैं जिसमें हम लोग आगे जा तक आगे बढ़ बढ़ कर हम लोग उसमें हिस्सा लिए, जिसमें हम लोग यहाँ पे जितने भी हमारे सराउंडिंग्स हैं वहाँ पे हम लोग स्वच्छता भारत अभियान के तहत हम लोग जुड़े थे, जिसमें हमारा सारा यहाँ के एरिया में हम लोग क्लीननेस प्रोग्राम फैलाए थे। तो उससे हमारा इन्वायरमेंट बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ा था। हम लोग नो प्लास्टिक के अगेंस्ट में रहते हैं कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्लास्टिक का यूज़ ना करें, क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो हम लोग अब जहाँ तक इसको अवेयरनेस प्रोग्राम को जहाँ तक एजुकेशन के माध्यम से बच्चों तक पहुँचाते हैं, फिर हम लोग इस चीज़ को अपना एक लाइफ का एक हिस्सा बना चुके हैं, जिससे हमारा ये चीज़ आगे बढ़ चुकी है। जब हम क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करते हैं तो हम देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज आ रहा है। आपको लगता है कि किस प्रकार की कम्युनिटीज़ जो हैं, किस अलग अलग कम्युनिटीज़ इफ़ेक्ट हो रही हैं उससे, किस प्रकार की कम्युनिटी सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रही हैं, और सोशल जस्टिस से क्या इसका कोई लेना देना है क्लाइमेट चेंज का? हाँ, मेरे को ये लगता है अपने सराउंडिंग में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे गर्मी आजकल कितनी बढ़ रही है। आप पिछले साल से कंपैरिजन करें तो मतलब गर्मी मतलब इंक्रीज हो चुकी है। तो
पुअर पीपल का कंपैरिजन करें रिच पीपल से, तो वहाँ पे है कि पुअर रिच पीपल्स लोग को फैसिलिटी अवेलेबल्स है, उन लोग उन प्रॉब्लम्स हो रही है लेकिन उस चीज़ से उन लोग निकल पा रहे हैं, उनको इतना अफेक्ट नहीं कर रहा। लेकिन अगर कंपैरिजन करें पुअर पीपल्स का या मिडिल क्लास फैमिली का, तो उनके पास उतनी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है कि उस चीज़ को उन लोग को सफ़र उन लोग ही कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन्वायरमेंटल चेंजेस जो भी अफेक्ट करते हैं वो हम ह्यूमंस पे करते हैं, और सारे ही तरह के ह्यूमंस पे करते हैं, बट मेजरली जो पुअर या अनप्रिविलेज लोग होते हैं उनको ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज कम होती हैं, उनके पास टेक्नोलॉजीज़ कम होती है, और जो रिच पीपल होते हैं वो कंपैरेटिवली ज़्यादा कुछ अफोर्ड कर पाते हैं, ज़्यादा टेक्नोलॉजीज अफोर्ड कर पाते हैं, तो वो लोग इस सिचुएशन से ईजिली कोप अप कर पाते हैं। जैसे कि अभी गर्मी बढ़ रही है तो हम न्यूज़ में काफ़ी सुनेंगे कि इतने लोग लू से मर गए, ज़्यादा गर्मी से मर गए, पानी की कमी से मर गए, लेकिन हम या गवर्नमेंट इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते। हम ये सोच के छोड़ देते कि हाँ गर्मी बढ़ रही है तो ये चीज़ें तो होंगी। वैसे ही जब ठंडी बढ़ेगी तो हम सुनने में आएंगे कि बहुत सारे लोग के पास इनफ कपड़े नहीं हैं, रोड पे जो बेगर्स होते हैं वो सोए रहते हैं, वो लोग ज़्यादा ठंड से मर जाते हैं। तो उस चीज़ को भी कोई बहुत लाइटली लिया जाता है, इस इशू को कभी रेज ही नहीं किया जाता है कि क्यों, वो भी तो इंसान है, उनकी भी तो लाइफ, अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो हम उनके लिए कंट्रीब्यूट तो कर सकते हैं ना, क्योंकि सबको रहने का इक्वल हक है। बाकी सारे कंट्रीज़ में भी ठंड होती है, गर्मी होती है, पर उनके पास सफिशिएंट टेक्नोलॉजीज़ है, वो अपने सिटीजन्स को प्रोवाइड करते हैं कि हाँ आप ये सब फैसिलिटीज़ लेके रह सकते हैं, पर इंडिया में इस चीज़ को बहुत लाइटली लिया जाता है। मैम, मुझे लगता है कि हाँ इन्वायरमेंटल को कंजर्वेशन करने की ज़रूरत है। जैसे कि अभी देखें हम लोग यहाँ पे जो इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है इसके कारण अपर जो कास्ट है मतलब रिच पीपल्स, उन लोग ज़्यादा सफ़र नहीं करते हैं, उन लोगों के कारण लोअर और मिडिल क्लास ज़्यादा सफ़र करते हैं। एक हद तक कह सकते हैं मिडिल क्लास भी ज़्यादा सफ़र नहीं करती है, लेकिन लोअर क्लास ज़्यादा सफ़र करती है। जैसे कि अभी हम लोग रांची का एग्जांपल देखे, यहाँ पे डेवलपमेंट के नाम पे बहुत सारा पेड़ काटा गया है रोड चौड़े करने के नाम पे, और एफोरेस्टेशन पे ज़्यादा फोकस नहीं किया गया, तो वो कारण से यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट चेंज हो चुकी है। तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि अगर इन्वायरमेंट को हम आज बचाएंगे तो इन्वायरमेंट हमें कल बचाएगी। ग्लोबली बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स हैं ना जो लिए जा रहे हैं, लोग बहुत कुछ कर रहे हैं जब हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं, राइट? आपके हिसाब से ऐसे कौन सी इनिशिएटिव्स हैं जो आपको बहुत अच्छी लगती हैं, और आपको क्यों लगता है कि वो तो बहुत इंस्पायरिंग है, जिसके ऊपर इम्पैक्ट क्रिएट हो सकता है? मैं बोलना चाहूँगी तो SBO का बोलूँगी, क्योंकि उसने ना अपने गेस्ट को, जो भी हम लोग के मतलब लाइक गेस्ट होते हैं, वो लोग कोई गिफ्ट करते हैं, लाइक बहुत सारे लोग आते हैं तो वेलकम गिफ्ट देते हैं या फिर कुछ भी वो लोगों को एज अ रिप्रेजेंट करने के लिए देते हैं, बट यहाँ पे वो लोगों को गिफ्ट करते हैं प्लांट्स, ताकि वो जाके वो उसको प्लांट करें और वो जब बड़े हुए वो उनको ग्रोथ होते हुए देखे कि हाँ वो कैसे ग्रोथ हो रहा है। हम लोग के यहाँ पे अभी तक मैंने देखा वो लोग तुलसी, फिर मनी प्लांट, ये सब बहुत कॉमन चीज़ होते हैं, वो सब देते हैं वो लोग। और वो तुलसी देखिए, ये नहीं है कि ना वो प्लांट हो गया तो कोई यूज़फुल नहीं है, वो हर चीज़ में यूज़फुल होता है। हिंदू में तो बोला जाता है कि तुलसी इज़ द मेन थिंग इन आ हिंदू, तो वो तुलसी उस पूजा भी करते हैं, और तुलसी से बोला जाता है कि ना एलोपैथिक मेडिसिन भी बनते हैं, तो उसके कारण वो यूज़ भी कर सकते हैं अपने लाइक कुछ भी अगर बीमार उमार हो गए तो वो लोग यूज़ कर सकते हैं। और भी चीज़ें हम मैंने देखा कि वो लोग यहाँ तक कि नीम के अभी हम लोग के ब्रांचेस बहुत सारे वहाँ पे प्लांटेड है, वहाँ पे ना एक ब्रांच को मतलब एक पूरा सेट बनाया है, वहाँ पे प्लांट हो रहे हैं बहुत सारे चीज़ कि ना वो लोग जब बड़े हो जाए तो वो लोग को अलग अलग जगह में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, ताकि वो लोग आराम से बड़े हो जाए और वो लोग दूसरे को हेल्प करें। By three R's, that is reuse, reduce and recycle. We can reuse our product twice or thrice, so that we can save it for our future generations. We can plant more and more trees. We can plant more and more trees today, and we can go for sustainable development. मेरा कहना ये है कि मेरे लिए एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्टार्टिंग से जब भी मैं स्कूल में थी तो इट वाज इन सिटी एरिया, आई ऑलवेज वांटेड कि मैं जहाँ पे कॉलेज दूँ तो वो थोड़ा दूर हो,
माई ब्रदर यूज टू स्टडी इन सरला बिरला पब्लिक स्कूल. सो आई लाइक द एरिया वेरी मच एंड व्हेन आई हर्ड अबाउट इट कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी भी खुल रहा है देन आई वॉज वेरी श्योर इनफ कि आई एम गोइंग टू टेक पार्ट ओवर हियर सो दैट कि मैं आते हुए भी यहाँ पे मतलब सीनरी का मजा ले सकूँ एंड जाते हुए भी दैट विल बी वेरी मच रिलैक्सिंग फॉर मी. इसके साथ ही साथ एज वी नो कि आज के डेट में बींग अ स्टूडेंट हमारे लिए लाइफ बहुत ही मुश्किल है. हर टाइम हमें असाइनमेंट्स का ये रहता है और हमारे पास टाइम नहीं रहता है कि हम कब नेचर के साथ टाइम गुजार सकें. इसके कारण हमें एंग्जाइटी होती है, डिप्रेशन होता है. सो व्हाट आई फील अबाउट इट कि अगर हम लोग नेचर में रहेंगे और थोड़े देर सिटी से दूर रह के प्रॉपर नेचर का ऑक्सीजन हम लोग अपने लिए इनहेल करेंगे तो वो हमारे लिए सबसे बेस्ट रेमेडी है ओवरऑल एवरीथिंग. गवर्नमेंट में मेरा छोटा सा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि एज़ जैसे हम लोग अपने घर से बाहर निकलते हैं और हम लोग सड़क पे अपने आसपास इतने सारे कचरा देखते हैं, लाइक मोस्टली जो कचड़े रहते हैं वो प्लास्टिक रहते हैं, कैरी बैग्स, पॉलीथीन्स, ये सब रहते हैं जो कि हमें सोसाइटी में खुद में भी देखने में अच्छे नहीं लगते हैं, जो कि हमारे नेचर को, पॉइंट ऑफ व्यू को या फिर हमारे लेन को ही देखने में बहुत गंदा बनाते हैं और हमें पर्सनली खुद अच्छा नहीं लगता ये सब देख के कि हमारा जो सोसाइटी वो इस तरीके का अच्छा नहीं दिख रहा, क्लीन नहीं है. सो उस चीज़ को ठीक करने के लिए हम लोग ये कर सकते हैं कि जो गीला कचरा है उसको गीले कचरे वाले सेक्शन में डाल के और जो सूखा कचरा उसको सूखे कचरे वाले सेक्शन में डाल सके ताकि जो रियूजेबल हो या जो रिसाइकल हो सके वो रिसाइकल हो जाए एट फ्यूचर, लाइक फ्यूचर में हम उस चीज़ को रिसाइकल करके रीयूज कर सकें. तो आज हमने काफ़ी सारे छात्र छात्राओं से बात करी, उनसे समझने की कोशिश करी कि जब हम पर्यावरण की बात करते हैं, उसके संरक्षण की बात करते हैं, तो उनका क्या नज़रिया है इसके प्रति. काफ़ी बच्चों ने हमें बताया कि किस प्रकार कई कई नए इनिशिएटिव्स हैं जो उन्होंने देखे हैं जो काफ़ी अच्छा काम करते हैं, साथ में ही उन्होंने कम्युनिटी के ऊपर कैसा असर करता है इसके विषय में भी बताया. तो अब हम चलते हैं फैकल्टीज़ के पास, उनसे समझते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं, हमें वो क्या समझाना चाहते हैं कि जब हम यूनिवर्सिटी की बात करते हैं वो क्या रोल प्ले करता है हमारे युवाओं को, हमारे छात्र छात्राओं को शेप करने में, उनको समझाने में कि हमारे पर्यावरण को संरक्षण करना कितना ज़रूरी है. लगभग धरती का तापमान 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ चुका है, उसके करीब है, जिसके कारण हमारे मीन सी लेवल में राइज होता चला जा रहा है, वो बढ़ता चला जा रहा है और आए दिन हम प्राकृतिक विपदाओं को भी झेलते हैं. कोस्टल एरियाज़ में रहने वालों के लिए स्थिति बहुत भयावह है और भी भयावह होने जा रही है. अब लोगों को वहाँ से रीअलोकेट करना, रिहैबिलिटेशन की प्लानिंग हमारे सारे विकसित देश कर रहे हैं, विकासशील देशों को भी करना होगा. टेम्परेचर राइज के साथ साथ अनेक समस्याएं आने वाली हैं, तरह तरह की बीमारियां भी पनपने वाली हैं, जिससे पूरे मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है और हम सबको इसके लिए जागरूक होना होगा. मेरा आग्रह है, मेरा रिक्वेस्ट है हम सभी छात्रों से, वो सभी शिक्षकों को, सभी जुड़े हुए इससे जुड़े हुए लोगों को, शिक्षा से या कॉमन मैन के लिए भी, सामान्य नागरिक के लिए भी, सरकार के लिए भी, एनजीओस के लिए भी, हमारे सारे पॉलिसी मेकर्स के लिए कि अगर हम 2023 का आईपीसीसी असेसमेंट रिपोर्ट 6 को पढ़ें तो हमें, जो कि विश्व की एक सबसे ऑथेंटिक बॉडी है पर्यावरण के मामले में, जलवायु परिवर्तन के मामले में, जिसमें वार्निंग दी गई है कि ये विंडो धीरे धीरे क्लोज होता जा रहा है. असेसमेंट रिपोर्ट 1 को पढ़ेंगे, दूसरा रिपोर्ट और भयानक, तीसरा और भयानक, वो ग्राफ बढ़ता जा रहा है, छठा वार्न कर रहा है कि अभी नहीं तो कभी नहीं. तो हम सबको मिल करके पर्यावरण संरक्षण के लिए सोचना होगा और सोचना सिर्फ नहीं होगा, करना होगा. अभी हाई टाइम है जिसमें हमें एक्ट करना है उसके लिए, चाहे वो वन्य प्राणी का संरक्षण हो, चाहे जल का संरक्षण हो, चाहे वायु को शुद्ध करना हो, जिसमें हमारा ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम से कम कैसे किया जाए, ये सभी लोगों को सोचना है. और सभी रिसोर्सेज जो हमारे प्राकृतिक रिसोर्सेज हैं उनको संरक्षित कैसे किया जाए,
उस पर एक्ट करने की अब ज़रूरत है, सोचने का वक्त बहुत निकल चुका है। तो आप सबों से हमारा आग्रह है, मेरा करबद्ध प्रार्थना है कि मिलजुल के इस पर्यावरण को हम संरक्षित करें। टॉकिंग अबाउट द एनवायरनमेंट प्रिजर्वेशन एंड ऑल, सो इंस्टेड ऑफ गेटिंग इनटू द एयर व्हिच इज डेफिनेटली यू नो सीवियर प्रॉब्लम इन इंडिया, द क्वालिटी ऑफ एयर एंड ऑल एंड स्पेशली इन द मेट्रोपॉलिटन सिटीज, बट टुडे यू नो आई विल टॉक अबाउट द फूड वेस्ट एंड द वाटर वेस्ट. So that is very important. So what we do at our university, as an exercise, what we did is just, you know, to measure like how much food wastage is there, we check the weight of the dustbins every day. So we have, what we have seen is that the total weight of the actual waste every day is not more than 35 to 40 kilos, and we are handling around 1,000 students meals every day, and then we have a restaurant and other, you know, food divisions also and food outlets also inside the university. So in a cumulative way, a waste of 40 kilo is very small, but still what we do is those 40 kilo we put it in a digester, and from the digester it becomes a manure, and that is used in plantation and all. So that is how we take care of the food waste that comes out from our university. The second is the water waste that comes out from our kitchen. So we have approximately 20,000 liter of discharge every day. So we have set up an in-house water treatment plant, and that is, the capacity is 30 KLD, which is 30,000 liters per day. So we have a complete project wherein the water is coming as a waste, then we are using it, whatever water we, the canteen needs, we use it, and then the balance we transfer for other purposes inside the university, and that water is also used to make vegetables, and that vegetable we use, and then the vegetable waste also, what, which comes out, the peel, when you peel the vegetables and all, that waste also is used, and we put it in the digester and then use it for several purposes. So I think this is very important, and every university or every kitchen can do such things, and this will help us in saving water. मैं जब इस रांची में आया था, उस समय के पर्यावरण में, उस समय के वातावरण में, उस समय के टेम्परेचर में और आज के टेम्परेचर में बहुत अंतर है. जब मैं कुछ दिन पहले जब झारखंड ज्वाइन किया, तो हजारीबाग में उस समय एसी की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, पंखे की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन आज परिवर्तन इतना हो गया कि आज सबको एसी की ज़रूरत है, बिना पंखे के हम रह नहीं सकते हैं. ये चिंता का विषय है, और इसके लिए सरकार की जो नीति है उसको क्रियान्वित करने की आवश्यकता है. केवल नीतियाँ बने नहीं, उसको हम सभी मिलकर क्रियान्वित करें. ये चिंता का विषय केवल यहाँ के लिए नहीं है, पूरे दुनिया के लिए है, कि हम इस परिवेश को और आने वाली जो संतानें हैं, संतति है, उसको हम कैसे बचा सकें. इसमें नौजवानों की भूमिका बहुत हो सकती है. नौजवानों की भूमिका ये है कि हम कोई भी नीति बनाते हैं, उसको लागू करने वाले ये लोग हैं, उसको फॉलोअर्स ये हो सकते हैं. तो हम छोटी छोटी चीज़ों से इसको हम शुरू करें, जैसे टिफ़िन बॉक्स लावें, जो सामान बच जाए उसको उसमें डाल कर जाएँ, प्लास्टिक का यूज हम कम से कम करें, आवश्यकता पड़े तो अपने अगल बगल में हम पेड़ लगावें, और ये जो छोटे काम हैं, इस पहल को हम कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से हम एक सहयोगी के नाते और इस पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं. द पिक्चर, होलिस्टिक पिक्चर इज दैट वी शुड अवेयर अबाउट दिस. अवेयरनेस बहुत इम्पॉर्टेंट है. मैं एक शैक्षणिक संस्थान में काम कर रहा हूँ, तो यहाँ के जो आपके छात्र हैं उनमें ये जागरूकता होनी चाहिए कि कैसे अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें. प्रोटेक्शन की अवेयरनेस जितनी होगी, उतना ही हमारा एनवायरनमेंट भी सुरक्षित होगा. जहाँ तक हम ये देखते हैं कि हमारे छात्रों में यह बहुत डिस्कनेक्ट है कि एनवायरनमेंट उनके लिए क्या यूज़फुल है और किस तरह से वो सेव कर सकते हैं एनवायरनमेंट को. बहुत ही ख़ास बातें जो दो हैं, एक तो हवा, जिसको हम ऑक्सीजन के बेस पे कह सकते हैं, और दूसरा आपका पानी.
हवा और पानी दोनों ही पॉल्यूटेड हो रहे हैं, ये हमें सबको मालूम है। जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, एयर क्वालिटी इंडेक्स एज कम्पेयर टू दिल्ली और एनी मेट्रो सिटीज़, रांची में फिर बेटर होगा, बट उस पर भी हमें ध्यान रखना है। अगर नहीं ध्यान रखेंगे, रांची की भी हालत दिल्ली की तरह हो जाएगी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं और बहुत दूर भी नहीं अगर हम उन पर ध्यान नहीं रखेंगे, क्योंकि हर इंसान को हवा शुद्ध चाहिए जीने के लिए और पानी उसके अपने सस्टेनेबिलिटी के लिए चाहिए। तो हमारे छात्रों को हम इस तरह की शिक्षा से अवगत करा रहे हैं। हमारे वाइस चांसलर सर हमेशा ऐसे व्याख्यानों का आयोजन भी करते हैं और अपने व्याख्यान में उसको बताते भी हैं कि हम किस तरह से पर्यावरण को सुरक्षित करेंगे और कैसे हम उसको बचा के रख सकते हैं। और हम आज एनवायरनमेंट कंजर्वेशन पे बात कर रहे हैं, तो मैं एक पॉइंट उठाना चाहूँगी कि बच्चे आजकल फैशन के पीछे बहुत दौड़ते हैं और जिसकी वजह से एनवायरनमेंट को काफ़ी हार्म पहुँचता है। फास्ट फैशन एक टर्म होता है जिसमें हम बस रोज़ रोज़ नए कपड़े खरीदना चाहते हैं और दूसरे ट्रेंड्स के पीछे भागना चाहते हैं, विच इज़ नॉट रियली गुड फॉर द एनवायरनमेंट। सो हम एज अ फैकल्टी ये कोशिश कर सकते हैं कि बच्चों को ये बात समझाने की कोशिश कर सकते हैं कि फैशन या कपड़े उनकी पर्सनालिटी को डिफाइन नहीं करते हैं। जो नॉलेज हम उन्हें दे रहे हैं या जो भी वो यहाँ पढ़ रहे हैं, इन्वायरमेंटल साइंस एज अ सब्जेक्ट हम कोशिश करते हैं कि वो समझें, वो जाने उसके बारे में, तो जब वो ये सब समझ रहे हैं वो नॉलेज उनकी पर्सनालिटी को डिफ़ाइन करता है। वो जो कपड़े पहन रहे हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो कितने इंटेलिजेंट हैं या उनकी पर्सनालिटी कितनी अच्छी है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम उन्हें समझाना चाहते हैं और हम कोशिश करते हैं और आशा करते हैं कि बच्चे एक्चुअली ये सब समझ जाएं। सो एज फैकल्टीज़ दिस इज़ व्हाट वी कैन डू फॉर एनवायरनमेंट कंजर्वेशन एंड दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग। जो एक एनवायरनमेंट सही दिशा में बच्चों के लिए प्रयास कर रही है, उसके लिए बहुत तरह के कल्चर को कैसे डेवलप किया जाए जो एक समाज के लिए बहुत ही उपयोगी है, और हम लोग धीरे धीरे इस पर काफ़ी इनिशिएटिव लिए हैं, जो कि केवल हमारा केवल पढ़ाना ही एक सीमित नहीं होगा, पढ़ाने के साथ साथ हम कैसे उसको अच्छे इंसान बनाने पे हम लोग काम कर रहे हैं, इसके बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ। हमारे यहाँ बच्चे जो आते हैं वो बहुत तरह के बच्चे हैं, कुछ शहरी से है, कुछ ग्रामीण इलाके से है, लेकिन सभी को हर एक समय में अपने आप को एडजस्ट करना और एक एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, इसके लिए भी बच्चे अपने आप को इस तरह से ढाल रहे हैं जिसमें कि बच्चे कहीं ना कहीं, जैसे कि हमारे पास एक फूड फेस्ट हो रहा है अभी कुछ दो तीन दिन के बाद, मैनेजमेंट उत्सव प्रोग्राम, जिसमें कि बच्चे अपने यहाँ पे खुद बच्चे खाना बनाएंगे और उसको सेल करेंगे, तो हाउ दे आर गोइंग टू कन्विंस है ना टू द कस्टमर। ये एक तरह का एक एनवायरनमेंट है जो कि कहीं ना कहीं एक उसके प्रैक्टिकल लाइफ को भी एक्सपोज करता है। आज हमने काफ़ी बच्चों से और फैकल्टी से बातचीत करी ये समझने के लिए कि आखिर पर्यावरण संरक्षण क्यों ज़रूरी है। हम सब ने समझा कि पर्यावरण संरक्षण इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम देख सकते हैं अपनी आँखों से कि किस प्रकार जो हमारा टेम्परेचर है हमारी धरती का वो बढ़ चुका है, गर्मी बहुत होने लग गई है, और अगर हम अभी इस पे बात नहीं करेंगे, इसके ऊपर अभी काम नहीं करेंगे तो काफ़ी देर हो जाएगी शायद। तो अगर हम आज की बातों को समझें तो हमें ये पता चला है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं उन्होंने बोला कि छोटे छोटे बदलाव से बदलाव आएगा, जैसे व्यवहारिक बदलाव बहुत ज़रूरी है। व्यवहारिक बदलाव में जैसे प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करना, जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो प्लास्टिक की बॉटल खरीदने की जगह अपना बॉटल खुद लेकर जाना, उसको रीफिल करना। साथ में हमें स्टूडेंट्स ने ये भी बताया कि अब हम गिफ्ट्स में कहीं कहीं पे लोगों ने प्लांट देना शुरू किया है, जो कि एक व्यवहारिक बदलाव को लाता है, जिसमें वो प्रमोट करते हैं कि आप अगर पेड़ लगाते हैं तो आप अपने एनवायरनमेंट की, अपने पर्यावरण का संरक्षण कर पाते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें अगर हम करते हैं अपने आसपास तो बहुत छोटे छोटे पर बहुत ज़रूरी बदलाव हम देख सकते हैं। साथ में हमें फैकल्टीज़ ने ये भी बताया कि कैसे यूनिवर्सिटी के लेवल पे हम एक माइंडसेट में चेंज ला सकते हैं, बच्चों को ये बतला सकते हैं कि वो फास्ट फैशन की तरफ ना जाएं, वो किस प्रकार क्लासेस में बैठ के एनवायरनमेंट के ऊपर काम करें।
तो हमने बहुत सारी चीज़ें आज समझी और सबसे ज़रूरी चीज़ ये समझा कि हमें अपने एनवायरनमेंट के प्रति खुद ही अवेयर होना पड़ेगा, खुद से बहुत सारे काम करने पड़ेंगे और छोटे छोटी चीज़ों से बदलाव लाना पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, अब आप हमें दीजिए इजाज़त और अब हम आपसे मिलेंगे अगले अंक में किसी नई यूनिवर्सिटी में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जोहार, नमस्कार।